अरे किसको टिकट दे दिया भाई? तो आप लोग शिवशंकर भैया से हम लोग 12-13 साल से हम लोग जान रहे हैं और बिल्कुल देश हित में, समाज हित में और अपने जमशेदपुर पूर्वी के हित में जो भी दूसरे किसी दूसरे को दे देता भाई, जो भाजपा का कार्यकर्ता था जीतू भाई है हमारे यहाँ पर, किसी को दूसरे को दे देता, लेकिन एक परिवार का ही दिया गया, इसलिए टोटल विरोध करते हुए हम लोग शिवशंकर भाई का पूर्ण समर्थन करते हुए अब पूरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछला बार जो निर्दलीय ही जीता था, फिर इस बार जीतेगा, निर्दलीय ही जीतेगा। उनको जमशेदपुर का हर एक बच्चा बच्चा और युवा और जितने भी लोग हैं, हमको तो लगता है सभी लोग जानते होंगे। मैं मनोरमा सिंह हूँ, सिरपोड़ा से हूँ, मैं पूर्वी की वोटर हूँ और मैं 5 साल से सरू राय के साथ भी रही और सारा की काम की उनके साथ, लेकिन अब हमको लगता है कि उनके बाद जो भी होंगे भैया ही हो तो हम लोग को ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का हम सभी लोग, उनके जो भी लिस्ट जारी किया उसका स्वागत करते हैं। अब स्वागत करते हैं इसलिए कि उनको जमशेदपुर के पूर्वी की जनता के भावनाओं को शायद ध्यान नहीं होगा और उसी का वजह आप देख रहे हैं कि आप हमारे आज इस बैठक में देखे हजारों की संख्या में जो माताएं, बहनें, बुजुर्ग साथी, युवा साथी आए, उनका एक मन में पीड़ा था कि जमशेदपुर के पूर्वी के कार्यकर्ताओं का बातों को ध्यान नहीं रखा गया और उसमें कहीं ना कहीं ऐसे कैंडिडेट को लाया गया है जिसमें कि परिवारवाद की बू आ रही है और उसी का सभी लोग मन में जो पीड़ा था वो पीड़ा लेके यहाँ पर आए और सबका एक मत से ये हुआ कि आप चुनाव में आप जाएं। आज उसी के नियमित हम सभी लोग एक बड़ी बैठक किए और सभी लोग ये निष्कर्ष पे पहुँचे कि आपका जनता का जो प्यार स्नेह है जो यहाँ की जनता का, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग इस बार 2024 के चुनाव में हम लोग चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लगभग ये तैयारी पूरी हो चुकी है आज। जी जगह आप लोग चुनाव में कल जाने की प्रक्रिया पूरी करेंगे, कब करेंगे नॉमिनेशन? संभवतः कल तो प्रक्रिया शुरू करेंगे, नॉमिनेशन का डेट आप सबों को बताएंगे। जनता का पूरा प्यार मिल रहा है? जरूर पूरा नहीं, दुख है, ये बात का पूरा दुख रहेगा कि हम अपने जो प्रतिनिधि जो हमारे उम्मीदवार आए हैं उसके हमको विरुद्ध में लड़ना होगा। जनता पर कितना भरोसा है आपको? निश्चित रूप से, क्योंकि चुनाव में साम दाम दंड भेंट सब कुछ चलता है। तो साम दंड भेंट तो हम तो नए लोग हैं, सामान्य लोग हैं, हमारी बहुत कोई विरासत नहीं है, पॉलिटिकल विरासत नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे अपने जनता के सहयोग से प्रयास करेंगे।